मोटरोला एक के बाद एक नया फोन लेके आता जा रहा है, लग रहा है ये साल मोटरोला का है। और इस बार ये लेके आया है मोटो एज 40 न्यू, जो कि एक बजट सेगमेंट डिवाइस है, अंडर 25,000 आपको ये मिल जाएगा। तो इसके बारे में आप आगे वीडियो में बात करेंगे आपको कितने का मिलेगा। सबसे पहले आप इस फोन को देखो भाई, इस फोन को देखो, आपको इससे मोहब्बत हो जाएगी। इतना प्यार लुक है, इतना बढ़िया इसका डिजाइन है। इसमें हमें बैक एंड लेदर फिनिश मिल जाती है बैक के अंदर, जो की बहुत बेहतरीन लुक देता है। ऐसे फोन हमें काफी कम मिलते हैं आजकल के दौर में। आपको बैक में या तो ग्लास मिलता है या फिर प्लास्टिक मिलती है, लेकिन ये एक नए लुक के साथ आया है। इन हैंड फील्स एकदम जबरदस्त मिलता है, काफी ग्रिप मिलती है इसके अंदर जब आप इसको पकड़ते हैं। और मात्र 172 ग्राम के अंदर आपको ये फोन देखने को मिल जाता है, जो कि काफी लाइट वेट है। फोन पकड़ने पे काफी हल्का महसूस होता है, भारी नहीं दिखता। और कलर इसका देख लो आप, करीब बे के नाम से ये कलर है, लेकिन बहुत ही अच्छा शेड है ब्लू का। ऐसा ब्लू का शेड मैंने आज तक काफी कम देखा है। जब इसको आप हाथ में पकड़ेंगे तो मजा आ जाएगा फोन को। एक चीज है कि इसका लेदर फिनिश कितने टाइम तक चलेगा वो एक कंसर्न हो सकता है। डिस्प्ले आप देखो, इसका एकदम राइटिक डिस्प्ले है, 6.55 इंच का कर्व्ड पीओएलईडी पैनल, जो कि 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ आता है। और 10 बिट का आपको इसके अंदर डिस्प्ले देखने को मिलेगा। और इसके अंदर 1300 निट्स तक की मैक्सिमम ब्राइटनेस मिल जाएगी, तो आउटडोर में आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आप बड़े बड़े ब्रांड्स को देखो, एप्पल को अभी तक 60 हर्ट्ज पे टिका हुआ है, 50-60 हजार के फोन आते हैं, लेकिन इस प्राइस रेंज में 125,000 ऐसे डिस्प्ले देखने को काफी कम मिलता है। इसके अंदर डिटेल में जाए तो हमें 5000 मिली एमएएच की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि 6-7 घंटे का स्क्रीन टाइम आपको आराम से दे देगी। साथ में 68 वाट का चार्जर इसके अंदर आता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये मोटोरोला का फोन है, तो आपको इसके अंदर 3 UI देखने को मिलेगा। कोई ब्लॉटवेयर ऐसे आलतू फालतू एप्स आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेंगे। कोई इक्का दुक्का आ जाए तो अनंत बात है, अदरवाइज इसका UI काफी क्लीन रहता है। आपको फालतू के एप्स वगैरह देखने को नहीं मिलते इसके अंदर। और भाई हाइपर 68 रेटिंग इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है। समझ में नहीं आ रहा मेरी मोटोरोला ने इतना सस्ता इसको कैसे मैनेज किया है। ये IP68 रेटिंग फ्लैगशिप फोन के अंदर आती है, जैसे S23 के अंदर और iPhone 15 के अंदर। तो अगर ये पानी में गिर जाए तो आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि कंपनी से आप इसकी वारंटी क्लेम नहीं कर सकते अगर पानी के अंदर आप फोन को गिरा देते हो। और ये वाली चीज तो सभी फोन के अंदर है। तो कुल मिला के आपको एक लाभचिक चीज देखने को मिल जाती है इस प्राइस सेगमेंट के अंदर। कैमरे की बात करें तो 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा OIS के साथ और 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा इसके अंदर है। फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा, उसके अंदर 4K 30 FPS तक आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट कैमरे से भी आप 4K 30 FPS रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि काफी कम फोन में हमें देखने को मिलता है। अब आ जाते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर, क्योंकि एक बैन होता है कि आप इस फोन को परचेज करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। तो अगर तो आप गेमर है तो गेमिंग एसेंट्रिक फोन देखिए, ये बिल्कुल है नहीं। हाँ, अच्छी खास गेमिंग इसके अंदर कर सकते हैं आप 60 FPS तक, लेकिन बियॉन्ड दैट एक्सट्रीम सेटिंग्स में आप इसके अंदर गेम नहीं खेल पाएंगे। इसके अंदर Mediatek 7030 का प्रोसेसर, जो कि 6 नैनोमीटर से बेस्ड है। और Mediatek ने इतने प्रोसेसर निकाल दिए हैं कि समझ में नहीं आता है कौन सा लेना है, कौन सा नहीं लेना है, कौन सा किससे कंपेयर करें। इसको आप स्नैपड्रैगन 695 से कंपेयर कर सकते हो, उससे थोड़ी बहुत आपको अच्छी परफॉर्मेंस ही मिलेगी इसके अंदर। तो इसका एंटीटो का जो स्कोर है वो 5 लाख से ऊपर है। तो BGMI के अंदर आप इसमें स्मूथ प्लस एक्सट्रीम गेमिंग कर सकते हो। 5G की बात करें तो इसके अंदर 15 5G बैंड का सपोर्ट है, तो आपको आराम से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। साथ में बात करें तो इसके अंदर NFC का भी सपोर्ट आपको मिल जाएगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जिसका प्राइस है, वही आपको 122,000 देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छी डील है इस प्राइस के अंदर। आज सब कुछ इसके अंदर बढ़िया नहीं है, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी है, जैसे कि USB 2.0 पोर्ट इसके अंदर देखने को मिलता है, तो डेटा ट्रांसफर स्पीड आपको बहुत बेहतरीन नहीं देखने को मिलेंगी। हाँ, वो बात अलग है कि 80,000 के आईफोन के अंदर भी ये फीचर अभी तक नहीं आया है, तो उस हिसाब से एंड्रॉइड के 20,000 के फोन को हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। साथ में कुछ लोगों ने कंप्लेन करी है कि इसका बैटरी ड्रेन टेस्ट काफी खराब है, बैटरी बैकअप नहीं ले पाता है। हाँ, ऐसा है कि जब आप इसके अंदर 5G सिम यूज करेंगे तो बैटरी ड्रेन काफी देखने को आपको मिल जाएगा। अगर आप इसको 5G पे आयरन छोड़ देते हैं विदाउट नेटवर्क किए हुए भी, तब भी आपको बैटरी बैकअप का काफी कम देखने को मिलेगा। इस चीज को मोटोरोला अपडेट से सही कर सकता है, हो सकता है कि ये उम्मीद है कि इसको सही कर दे। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।